देखिए इसमें पानी है, ब्रांच नहर से हम होते हुए अभी जा रहे हैं टूबर ठट्टा। हरियाली देखें साइडों पे, टूबर ठट्टा हम जा रहे हैं जनाब, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आए हैं शहजानी मस्जिद ठट्टा। ये मुगलिया दौर की मस्जिद है, आप अंदाज़ा करेंगे कि कोई तकरीबन 5 से 7 हज़ार साल पुरानी है। ये महकमा सारे कदीमा सिंध ने इसको रेनोवेट कराया, फिर 500 साल पहले 1975 में कराया, 1975 में पहले। आगे हम देखते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, इंशाल्लाह आप भी देखें हम भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए, आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत जजाकल्ला खैर। इट्स रोड फ्रॉम सिजावल टू ठट्टा, सिजावल से ठट्टा जा रहे हैं जी। ये देखें उसका, ये जीटी रोड, हमारे साथ रहें, आपको अब नहर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये दरियाए सिंध का जो पुल है ना जी, सिजावल और ठट्टा के दरमियान, उससे हम गुजर रहे हैं। और ये देखिए जहाँ बहुत तेज़ हवाएँ हैं, मिट्टी उड़ रही है, ये देखें दरियाए सिंध खुश्क पड़ा हुआ है, थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी है, इतना ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। ये पानी देखें थोड़ा, बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब शुक्र है। अच्छा जी, आपने हमारे शहर की उड़ती हुई टोपी पकड़ ली आपने ना, तो कैसा लगा आपको? हमको ऐसा लगा कि ये हवा इतनी तेज़ आई, जो सर पर टोपी रखी हुई थी वो नीचे गिर गई। अच्छा। और मैंने उठाकर उसको लेके आप ये आपकी टोपी इमारत आपके ले जाए। जी आप कब से हैं यहाँ पे और क्या करते हैं? हम यहाँ ऐसे घूमने के लिए निकले, शाहजहान मस्जिद है, ये बहुत अरसे कदीम ज़माने की यह है, जो यहाँ बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए। जी आप भी घूमने के लिए आए हैं? ये हम भी ये कंजरगंज से घूम रहे यहाँ आए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स। हम अंदर दाखिल हो गए जी, ये देखें इसके फुहारे, देखें इसकी वही तरीका है, वही उसी तरह मस्जिद है, बिल्कुल कापी है शाही मस्जिद लाहौर की। आप हमारी वीडियोस देखें पिछली, शाही मस्जिद लाहौर उसकी बिल्कुल फ़ोटो कापी है, उसी तरह के इसके फुहारे, उसी तरह के दलान बने हुए हैं। आगे हमारे साथ रहें। मस्जिद को देखें, बड़ी खूबसूरत ये बनी हुई है। ये देखें इसका सारा पार्क बहुत खूबसूरत है, ये देखिए इसका पार्क, ये सारा पार्क है। ये हमारी होस्ट आगे जा रही है, होस्ट जो है ना लाहौर की तरह इधर भी आगे आगे फिर रही है माशाल्लाह। मस्जिद का, मस्जिद के एहतराम के चक्कर में ना ये इसने जबाया पहना हुआ है। आगे आगे जाएं मैडम, आगे आगे जाएं, ताकि आप जाती हुई नज़र आएँ कि आप क्या करने आएंगे। ये देखें जी इसके सारे ये दलान वगैरह हैं, इसके अंदर बड़े आला निज़ाम है, फुहारे शुहारे ये लगे हुए हैं। ये देखिए आप घर बैठे हुए आप देखें जी, ये देखें शहजहानी मस्जिद कराची से करीब ठट्टा के अंदर मौजूद है, ये ठट्टा के अंदर है। आप ये देखें लोग इसमें सस्ता आ रहे हैं, लोग सस्ता आ रहे हैं। और ये देखें हम बिल्कुल मस्जिद के सामने आ गए हैं, ये बिल्कुल मस्जिद के हम सामने आ चुके हैं। ये लोग इधर जूस शूस पी रहे हैं, पानी शानी पी रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं। आप ये हमारे साथ रहें, आपको मज़ीद हम आगे दिखाते हैं। ये देखें ये पूरी मस्जिद, ये देखिए बहुत शुक्रिया कमाल। देखें ये देखें दरवाज़े, ये मुगलिया दौर के लगे हुए हैं, उसी तरह की सारी चीज़ें हैं मुगलिया दौर। ये इसके फर्श भी देखें, और ये देखें इसमें सारी जो है ना इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो भी ये सिंधी में है लेकिन आप पढ़ें, बहुत शुक्रिया। ये इसके इधर वज़ू खाने हैं जी, अभी हम एंट्री मार रहे हैं। ये इसके वज़ू खाने हैं, ये देखें सारे कदीमा ने इसको जो है ना ठीक करके रखा है, सिंध टूरिज़म ने इसको ठीक करके रखा हुआ है, बहुत शुक्रिया। ये देखें ये बिल्कुल लाहौर की तरह कापी है, शाही मस्जिद लाहौर की कापी है, उसी तरह के दलान है, उसी तरह का ये बना हुआ है, शाही मस्जिद लाहौर की बिल्कुल फ़ोटो कापी है, शाही मस्जिद लाहौर की फ़ोटो कापी। आप मेरे पहले भी आपने मेरी वीडियो देखी है, देखें बिल्कुल जी उसकी फ़ोटो कापी चल रही है। और यहाँ पर हमारे साथ एक मौजूद हैं साहब, उनसे हम बात करेंगे, आप सुनिए वो क्या फरमाते हैं। जी अब्दुल गफूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ मस्जिद में होते, ज़रा बताइए कि मस्जिद का ये मस्जिद जो है ना शहनशाह 1054 में बनाई थी, बाकी रोशनी आप डालें, स्पीकर करीब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल गफूर है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। जी जी, हाँ भाई मसला यह है कि ये मस्जिद शरीफ माशाल्लाह जो है शाहजहाँ साहब ने बनवाई थी, 1644 से काम शुरू करवाया, 1647 में एंड हुआ, 3 साल के अंदर 1600 से लेकर इस वक्त 400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। और शाहजहाँ ने सिखा उसमें क्या खर्चा आया था, 9 लाख रुपया खर्चा आया था। अच्छा। हाँ 9 लाख रुपया खर्चा आया था इसमें।
और ये 1600 हिजरी है ईस्वी है और हिजरी जो है वो है एक 1054 से 1057 पे। हाँ, 3 साल लगे वो हिजरी है। लाहौर की भी वीडियोस बनाई हुई हैं। हाँ, और ये मस्जिद लाहौर की, ये बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी है। हाँ, ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह जो इसको 400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, और इस मस्जिद में जो 100 गुंबद हैं जिसमें 6 बड़े हैं बाकी छोटे हैं, और हाँ बाकी इस मस्जिद में जो 50 खिड़कियाँ हैं और 94 जो पिलर्स हैं और जो 5 जो दरवाजे हैं। कमाल। और इस मस्जिद की जो बुनियाद है वो 15 फुट नीचे पहाड़ी पत्थर से रखी गई है। माशाल्लाह। खसूसियत इसमें यह है कि कितनी भी गर्मी हो, हवा का ऐसा सिस्टम है, गर्मी तुम्हें महसूस नहीं होगी। अभी हमने नमाज पढ़ी, मुझे लग रहा है मैं इसी में बैठा। नहीं नहीं, और ये इस मस्जिद में इस वक्त भी कोई भी पूरी मस्जिद में आपको पंखा नज़र नहीं आएगा। और इस मस्जिद में जो इसका अपना इको साउंड सिस्टम वो पहले से ही रखा गया है, ये है कि पूरी मस्जिद में आवाज़ गूंजता है। माशाल्लाह। और ये इस मस्जिद की जो अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 लोगों की गुंजाइश रखी गई है, 20,000 लोग बयक वक्त के नमाज़ पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद से दूर दराज अभी भी तकरीबन आधा घंटा हुआ तुर्की से बंदे आए हुए थे। तुर्की से बंदे विजर पर हमारी जो वीडियो है ये पूरे वर्ल्ड में जाएगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख के आएंगे इंशाल्लाह। अभी भी आधा घंटा हुआ है, मैंने तुर्की के जो बंदे आए थे उनको विजिट करवाया है, और पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर जो सियाह आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत कुछ मज़ा आता है। और यहाँ पर जो तरीक़ेकार है वो हमारे पास अमन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे तो अच्छे तरीके से हम इसको मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे सियाह बहुत खुश होते हैं। नहीं, मैंने देखा ना, बहुत। हाँ, और ये इसकी आप खसूस इनकी देखें ना सर, आप आए ये देख लें आप, ये देखो ये पिलर जो हमारे हैं ना, अब ये पिलर इस पूरी मस्जिद में आपको सरिया नजर नहीं आएगा बगैर सरिया के बनी हुई। हाँ, और ये इस पिलर के अंदर जो ये जो ईंटें लगी हुई है ना, ये भी रेती की नहीं है, वो मिट्टी की ईंटें हैं, और उसके अंदर जो कोई सरिया वगैरह। अच्छा, और दूसरा ये खास चीज़ है कि इसमें ये ब्लॉक लगा हुए है, उसमें सीमेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, पत्थर का चीरा है, पत्थर का चूरा, उससे 400 साल ज्यादा गुजर चुका है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद उसी इमारत में, ये इमारत इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि जो देखने वाला खुद जो अल्हम्दुलिल्लाह उसको। आपने इतना अच्छा हमें बताया कि हम अपने व्यूअर से गुजारिश करेंगे, हम पाकिस्तान को विजिट की प्रमोट करते हैं, मुसलमान है, हमारी मस्जिद भी हमारी है, तो हम लोगों को कहेंगे कि वो यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हमारे पास हमारी वीडियोज़ हैं, वो लाहौर की शाही मस्जिद की भी वीडियो है, तो माशाल्लाह पूरी मस्जिद की सुनहरी। देखो ना ये क्या खूबसूरती है, उनके टाइल आप आए जाएं थोड़े सा आगे, और ये देखो ये गुंबद है हमारे, इसकी खूबसूरती तो देखो, इसमें जो क्या खूबसूरती लगी हुई है, और उसमें जो टाइल जो लगे हैं वो ईरानी टाइल है, उसको काशी टाइल कहते हैं। हाँ, काशी कारीगर। ये बताएंगे उस वक्त ये कहाँ से कैसे आते थे, ये देखें मैं बड़ा। ये देखो उसी टाइम का सिस्टम है, वो अलग बेहतर जाना, ऊँट गधे तो उसी टाइम भी मौजूद थे ना। हाँ, तो उनकी कमाल है बस वो ये लोग। और जब ये हमने सुना, जो जब ये काम किया तो यहाँ के जो लोग थे सब ने हिस्सा डाला, वो एक पारा कुरान का पढ़कर एक ब्लॉग उठाते थे, इतने मुतकिन परहेजगार लोग थे। हाँ, मुतकिन परहेजगार लोग थे, उन्होंने ऐसा। बाकी जिस मिस्त्री ने काम किया है वो मिस्त्री भी यहाँ मदफून है, उसका नाम भी अब्दुल गफूर है, वो मुल्तान का था, वो बेचारा उसकी डेथ हो गई, वो मदफून भी यही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, उसने अच्छे काम में हिस्सा डाला। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, आपने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमें तारीख बताई, अल्लाह आपका आमीन और नासिर हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये देखिए, आपने लाहौर वाली हमारी वीडियो देखें, सेम उसी तरह, उस तरह भी उसकी खिड़कियाँ बनी हुई थी, ये देखें इस तरह मुरापे बनी हुई थी, ये सैम उस तरह की मस्जिद है, देखें काशीकारी का काम हुआ है इस पर, ये देखें आप, ये देखें ये काशीकारी का काम उस वक़्त हुआ था, ये कहते हैं जी उस वक़्त भी ये ईरान से टाइलें आई थी, ये देखें ज़रा, देखें मेरे साथ रहें, ये बच्चे पढ़ रहे हैं इधर माशाल्लाह, और ये बिल्कुल लाहौर की मस्जिद की कापी है। आप ये देखें, ये उन्होंने आपको रजिस्टर वगैरह बताए हैं, उन्होंने आपको बताया इसके इतने दरवाजे, इतने गुंबद, ये माशाल्लाह इसकी बनावट ही बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये इसका अगला दलान है, पहले हम पीछे वाला दलान देख रहे थे, अगला दलान और आगे आ गया हूँ, ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल लाहौर वाली मस्जिद की फ़ोटो कापी है, और ये काफ़ी बड़ी है ये भी, ये देखें ये बच्चे यहाँ सस्ता आ रहे हैं। नमाज़ पढ़ी है तुम लोगों ने भाई, हैं क्या कर रहे हो इधर, किधर से आए हो? कराची से आए हो, हमारी कराची से आए हो आप लोग, कमाल है। कराची में कहाँ रहते हो ये बताओ ज़रा, कराची में कहाँ रहते हो? एयरपोर्ट मलीरा। मलीर में रहते हो जी? कैसा लगा तुम्हें? बिल्कुल अच्छा, अच्छा लगा बिल्कुल। मस्जिद कितनी ठंडी है यार, बहुत ठंड है, नींद आ गई। ये इसकी बनावट देखो,
बहुत प्यारा, 400 साल हो गया इसका, 400। लेकिन आप ये देखो कैसी इसमें अंदर हवा आ रही है, बहुत ठंड है, कोई पिलर नहीं, कुछ नहीं, ये सारे देखो मिट्टी के बने हैं, लेकिन इंजीनियरिंग कमाल है। बहुत सही, बहुत माशाल्लाह अच्छा बना। मेरे लिए क्या कहते हो, मैं भी कराची जाऊं, मेरे जी तैयार है, पता नहीं कहाँ से है, मुझे क्या पता। अच्छा, चलो आपका बहुत शुक्रिया। ये उसी तरह बिल्कुल सेम लाहौर की कापी है, और उस शख्स ने जो इधर यहाँ टूरिज्म के मिनिस्ट्री वाले थे, उन्होंने आपको बताया कि जी ये सिसर इसका कोई पिलर नहीं, वो तारीख आप दोबारा उनसे देख लें। और ये मैं अब आखिरी पहले वाले दौरान से फिर आगे आपको आगे पीछे दिखा रहा हूँ। ये देखिए आसमान साफ, और आज यहाँ गर्मी हो रही है, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई गर्मी नहीं है, ऐसे लग रहा है मस्जिद ऐसी है। ये देखिए मस्जिद का जो मैन मेम्बर है, मैन मराब है, जो सबसे फ्रंट पे है, इसके दो मराब हैं, पहले हमने पीछे वाला दिखाया था, अब ये इसका बड़ा मराब ये रहा। अब इसको आप देखें, ये उस वक़्त का काम हुआ होगा काशीकारी का, अब यहाँ को मरम्मतें वगैरह लग रही हैं, लेकिन इसका फिर भी काम देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए इसका गुंबद देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये उसी तरह दराने हैं, उसी तरह की फ़ोटो कापी है, ये देखें ज़रा कमाल। वैसे काशीकारी के काम हुए हुए हैं, कमाल है। और यहाँ ये देखें उस तरह की आगे, इस तरह की उसी तरह के डोर आगे जा रहे हैं, उन्होंने सारी कुछ बताया आपको। और यहाँ से देखें आगे फ्रंट पे, ये फ्रंट से आप इसके में बिल्कुल सेंटर, पहले फ्रंट से दूसरे दरमियान दूसरे दलान में हो, एक पिछला दलान था, ये अगला दलान है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह का घर और अच्छा ना हो ये कैसे हो सकता, कमाल है जी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी जी आपको अल्लाह का घर? कैसा? अल्लाह ताला का एहसान है, करम है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये ठठा शहर की जो है ये मस्जिद शान है जी, जी। और बहुत ही कदीमी मस्जिद है, और माशाल्लाह यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं कुछ अपनी शिकायत थोड़ी सी अगर आपको करने से काम नहीं बनता, नहीं शिकायत से, ये अच्छाई तो बहुत है इस मस्जिद की, बहुत ज़्यादा अच्छाई है, लेकिन ये है कि यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसकी वजह से मस्जिद का तकद्दस जो है ना वो पामाल होता है, वो टिक टैकर वगैरह भी आते हैं, वो तो यही गुजारिश में अक्सर कई दफ़ा यहाँ इंतजामियों को मैंने बोला कि ये देखो ये मस्जिद है, ये पार्क नहीं है, इस हाँ देखो ये बहुत अच्छी बात है, ये कामले ईमान की बात है कि आप मस्जिद के अंदर जो गलत एक्टिविटी हो रही है और आप उसके खिलाफ जी हाँ। और दूसरे नंबर पे माशाल्लाह ये मस्जिद जो है ये इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और माशाल्लाह यहाँ का जो हवा का सिस्टम है ये कमाल है, कमाल है मस्जिद का जो माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा करे, अल्लाह आपके घर वाले, अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में इजाफा करे, और अल्लाह आपके बच्चों को नेक बनाए। जज़ाकअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, वकील खान नाम है मेरा जी। जी शाहजहान मस्जिद में माशाल्लाह बिना पंखे के अच्छी अच्छी हवाएं भी लग रहे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत बहुत सारे इलाकों से लोग भी आते। और जी मैं कराची से हूँ सर। हम भी तो कराची से आए यार, जी मिलते ही नहीं उधर। माशाल्लाह कराची से आए। हाँ जी, चलो ठीक है, कराची भी माशाल्लाह बहुत से लोग यहाँ पे आते और इंजॉय के लिए, इबादत के लिए। आपको कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा जी, क्या कहोगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह आप कभी जो है ना इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। अच्छा। और लाइक कर देगा इंशाल्लाह। लोग को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह और ये मस्जिद जो है ना इनका इंतराम करना चाहिए, अल्लाह का घर है, यहाँ पर फजूल बैठना हराम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है भाई, मेहरबानी, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी हम बाहर निकल रहे हैं अभी, ये देखें माशाल्लाह इनकी ये कल्चर डिपार्टमेंट ने काम बड़ा अच्छा किया हुआ है, ये बड़ा मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार साहब, आपने गफूर साहब, आपने बड़ा मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। पार्क ही पार्क है, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की हुई, अभी हमारे साथ हमें भी असिस्ट कर रहे हैं, मेरे लिए वो गाड़ी ढूंढने जा रहे हैं बेचारे। कल्चर डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया, ऐसे लोग कल्चर डिपार्टमेंट के माथे का जुमर होते हैं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं और इखलाक के बहुत आला।
अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, हमारी एंकर भी जो है ना वो खड़ी है हाथ में पानी लेके, बहुत शुक्रिया।